कोलकाता द सिटी ऑफ जॉय भारत के सबसे बड़े शहरों में से एक है। ये बात बहुत ही दिलचस्प है कि इससे पहले कोलकाता 1772 में ब्रिटिश शासन के दौरान भारत की राजधानी थी। कोलकाता का नाम कोलकाता कैसे पड़ा, इस पर कई लोगों के कई मत हैं। कुछ के अनुसार कलकत्ता बंगाली नाम कलिकाता का अंग्रेजी संस्करण है, कुछ के अनुसार कालीकता बंगाली शब्द कली क्षेत्र से लिया गया है जिसका अर्थ है काली की भूमि, कुछ के अनुसार कोलकाता एक खाल नाम की नहर यानी कैनाल के किनारे अपनी मूल बस्ती के स्थान से लिया गया है। जनवरी 2001 को कैलकटा या कलकत्ता को ऑफिशियली कोलकाता नाम दे दिया गया। ये बाग बाजार मेरे लिए बहुत स्पेशल है क्योंकि कभी भी मन खराब होता ना मेरा तो फिर यहाँ आ जाता हूँ, मैं बैठता हूँ घंटों, चाय वाय पीता हूँ, एक शांति मिलती है दिल को। अब बस घंटों बैठे रहो, कुछ मत करो, कभी कभी वो भी अच्छा लगता है। कुछ जगह होता है ना कि जैसे आप बैठ जाओ एक अलग ही आपको शांति मिलेगी, एक अलग ही सादगी है इस जगह में, तो कुछ ऐसा ही बात है। इस नॉर्थ कोलकाता एरिया में कभी मैं घूमने आया या फिर कभी मैं कोई काम से आया तो मैं एक चक्कर मार ही लेता हूँ यहाँ पे। 15 मिनट्स हाफ एन आवर मैं बैठता हूँ यहाँ पे, तो टाइम स्पेंड करता हूँ फिर मैं चला जाता हूँ। बहुत लोगों ने मुझे मैसेज किया, कुछ मेरे फ्रेंड्स हैं जो कोलकाता से बाहर रहते हैं, तो उन लोगों ने मुझे मैसेज किया, बोला कि भाई तेरा स्पीति का ब्लॉग तो एंजॉय कर रहा हूँ पर द थिंग इज़ तू कोलकाता में है तो क्यों नहीं कोलकाता घुमाता हम लोगों को। तो मैंने भी सोचा भाई सही बात है, मैं कोलकाता से हूँ, कोलकाता में रहता हूँ, अब मैं कोलकातन तो घुमा ही सकता हूँ मैं। मैंने बहुत सोचा कि शुरुआत कहाँ से किया जाए, कोलकाता तो महानगर है ना, बहुत बड़ा है, तो मैंने सोचा कि बाग बाजार घाट से स्पेशल प्लेस क्या हो सकता है, तो सोचा व्लॉग यहीं से शुरू किया जाए, कोलकाता भ्रमण का व्लॉग। पश्चिम बंगाल की राजधानी कोलकाता की स्थापना जॉब चार्नक ने 1690 में की थी। यह शहर 1756 तक लगातार उन्नति करता रहा। बाद में बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला ने 1757 में अंग्रेजों को शहर से भगा दिया और ठीक इसके बाद पलासी का युद्ध हुआ जिसमें रॉबर्ट क्लाइव ने सिराजुद्दौला को हराकर फिर से कोलकाता में कब्जा कर लिया। 1911 में भारत की राजधानी कोलकाता से दिल्ली को बना दिया गया। तो अभी हो गया लंच का वक्त और अभी मैं सोच रहा हूँ कुछ खा पी लिया जाए, तो यहाँ एक शॉप दिखा मुझे, तो यहाँ से मैं मैगी खा रहा हूँ। मैगी जो है हर जगह अवेलेबल है, स्पीति में भी मैगी और यहाँ भी मैगी। वैसे मैं घर से ज़्यादा कुछ खा के नहीं निकला था, पीनट बटर एंड ब्रेड खा के निकला था मैं घर से, तो बस भूख लग गई, लंच टाइम हो गया। वैसे भी ये पीछे जो शॉप है उसी शॉप से मैंने मैगी ऑर्डर किया। वो लोग कहते हैं ना पहले पेट पूजा बाकी काम दूजा, तो पहले पेट पूजा कर लेते हैं फिर मैं कोशिश करता हूँ यहाँ से, यहाँ जो फेरी घाट है फेरी के लिए जो टिकट मिलता है तो वहाँ से मैं टिकट पर लूँगा और फिर कोशिश करता हूँ एक छोटा सा टूर देने का। ये आ गया मेरा नूडल और ऑमलेट। तो लंच हो गया अपना पूरा, मैगी था और साथ में ऑमलेट। लहरें देखिए, ज्वार आ रहा है।
तो हो गया अपना लंच, तो अभी यहाँ से पकड़ते हैं हम लोग फेरी, चोभा बाजार फेरी घाट तक पहुँचते हैं और वहाँ से पकड़ते हैं फेरी। क्या नाम है? शुभम। कहाँ जा रहा है? कहाँ जा रहा है? भूतनाथ। भूतनाथ जा रहा है। शुभम मेरे को यहाँ पे मिला, लोकल है, यहाँ का लोकल है ना, ये रहता ना? हाँ, आगे आगे में रहता है। तो शुभम के साथ ही जा रहे हैं। मैंने वहाँ से एक अंकल के पास से चना लिया था, अभी दोनों मिलके चना शेयर किए। Hustle every single day. I'll be making moves till I'm buried in my grave. To the system, I don't wanna be a slave. I've been doing shit my way, or the highway. And in the driveway is a nice range. Cause I grind through the climb, I invite pain. You'll never hear me, bitch, nah, I don't complain. Just gotta flip the switch and you can go and obtain anything you want, anything. So ye friend mere ko mile aur mera channel bhi subscribe kiya in logon ne. अब जो साइकिल स्टंट देख रहे थे ना, वो ये भाई साहब का ही ग्रुप है क्या नाम है? राज। राज, ओके राज, मिलते हैं फिर, ठीक है दोस्त, चलो बाय। आराम से सेफ्टी लेके स्टंट करो। तो ये है वो फेरी घाट जिसका मैं बात कर रहा था, यहाँ से मैं फेरी पकड़ने वाला हूँ, वहाँ से पकड़ूंगा फेरी हावड़ा के लिए। तो ये है टिकट, दैट कॉस्ट मी अराउंड लाइक 6 रुपीज ओनली उस पार जाने के लिए। तो यहाँ से डायरेक्ट फेरी जाएगा और ये जाएगा हावड़ा की तरफ। बाकी लोगों की तरह मैं भी वेट कर रहा हूँ फेरी आने का, और ये हमारा फेरी आते हुए। वैसे आज हावड़ा नहीं घुमाना आपको, बस एक फेरी राइड दे दे रहा हूँ मैं। ये है खूबसूरत द आइकॉनिक हावड़ा ब्रिज, अभी हम लोग इसके नीचे से जाने वाले हैं। इट्स लाइक हिल ऑफ एन एक्सपीरियंस। ये मैं लिटरली हावड़ा ब्रिज के नीचे हूँ, ये देखो आप, इज इट अमेजिंग। ये मैं ग्रेजुअली हावड़ा ब्रिज को छोड़ते हुए और बंगाली में लिखा हावड़ा जीटी नंबर 2। ये रहा खूबसूरत बाग बाजार से हावड़ा तक का फेरी राइड। ये है खूबसूरत हावड़ा स्टेशन, यहाँ मैं चाय वाय पीऊँगा फिर, और कुछ नाश्ता वगैरह करते हैं, समोसा एंड ऑल, और फिर यहाँ से मैं अगेन रिटर्न आ रहा भैया, और फिर यहाँ से मैं रिटर्न फेरी घाट जाऊँगा, और फेरी घाट से डायरेक्ट अपना घर। Thank you.
काफ़ी कुछ है इस शहर में दिखाने को, जानने को, जैसे विक्टोरिया मेमोरियल, हावड़ा ब्रिज, इडन गार्डन्स, पार्क स्ट्रीट, आइकॉनिक ट्राम, पीली टैक्सी, मेट्रो, कॉलेज स्ट्रीट, कॉफ़ी हाउस, इको पार्क, टैगोर हाउस, आइकॉनिक दुर्गा पूजा, सब कुछ एक्सप्लोर करेंगे एक एक करके। शुरुआत तो हो ही चुकी है। मैं फिर से पहुंच गया बाग बाजार घाट। तो मैंने ये व्लॉग बाग बाजार घाट से शुरू किया था और बाग बाजार घाट में ख़त्म कर रहा हूँ। यहाँ से 15-20 मिनट्स का डिस्टेंस है मेरा घर, तो फिर सीधे मैं घर के लिए रवाना होऊंगा। और आप लोग मुझे बताओ कि कोलकाता में आपको और कहाँ कहाँ घूमना है, कौन कौन सा एरिया एक्सप्लोर करना है कोलकाता में, आप डेफिनेटली कमेंट सेक्शन में बताओ। मैं कोशिश करूँगा उस जगह का एक टूर दिलाने की, तो आप डेफिनेटली बताओ। आपका कमेंट बहुत वैल्यूएबल होगा मेरे लिए। थैंक यू सो मच। इस व्लॉग को मैं यहीं तक रखता हूँ, मिलते हैं आप सबसे किसी और व्लॉग में। तब तक के लिए अलविदा।